ओमान को हराकर नीदरलैंड टीम को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। तो वहीं हार के बाद ओमान टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटा, बदल गया पूरा पॉइंट टेबल। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कैसा है वर्ल्ड कप 2023 सुपर सिक्स का पूरा पॉइंट टेबल, साथ ही नीदरलैंड टीम को मिली है कैसी खुशखबरी, बताएंगे सब कुछ आज के इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी विराट कोहली को अपना फेवरेट खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों आपको बता दें कि आज वर्ल्ड कप 2023 सुपर सिक्स का पांचवा मुकाबला ओमान और नीदरलैंड टीम के बीच खेला गया, जहां पर ओमान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी ओर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड टीम की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त रही। नीदरलैंड के सभी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किए, जिसके मदद से नीदरलैंड की टीम पूरे 48 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 362 रनों का बड़ा स्कोर बना डाले। नीदरलैंड की ओर से विक्रमाजीत ने सबसे ज्यादा 110 रनों की ताबड़तोड़ शतक की पारी खेली, तो वहीं ओमान की ओर से बिलाल खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। जवाब में 363 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन फिर नीदरलैंड के गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन वापसी कराई और मुकाबले को आसानी से जीत लिया। इस हार के साथ ही ओमान टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई है और वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट चुकी है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं नीदरलैंड टीम के जीत के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 सुपर सिक्स के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। तो दोस्तों पहले नंबर पर श्रीलंका की टीम पहुंच गई है, जो अब तक 4 मुकाबले खेली है और चारों मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 8 अंक अर्जित कर चुकी है। दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है, जो 4 मुकाबले खेली है जिसमें 3 जीती है और 1 हारी है, पॉइंट्स टेबल में इसके 6 अंक है। तीसरे नंबर पर नीदरलैंड की टीम आ गई है, जो 4 मुकाबले खेली है जिसमें 2 जीती है और 2 हारी है, पॉइंट्स टेबल में इसके 4 अंक है। चौथे नंबर पर स्कॉटलैंड की टीम है, जो 3 मुकाबले खेली है जिसमें 2 जीती है और 1 हारी है, पॉइंट्स टेबल में इसके 4 अंक है। पांचवें नंबर पर वेस्ट इंडीज की टीम है, जो 3 मुकाबले खेली है और 3 मुकाबले हार चुकी है, पॉइंट्स टेबल में इसके 0 अंक है। छठे नंबर पर ओमान की टीम पहुंच गई है, जो 4 मुकाबले खेली है और 4 मुकाबले हार चुकी है, पॉइंट्स टेबल में इसके 0 अंक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।